पिताजी को प्रणाम करे, साष्टांग प्रणाम करे, दंडवत प्रणाम करे, पिताजी की परिक्रमा करे। बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जिसने माता पिता की परिक्रमा की हो। हमारा गुजराती लोग गिरनार की पहाड़ की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं, 3-3.5 दिन लगते हैं ना गिरनार की परिक्रमा करते हैं। लेकिन उसको पूछना के माँ बाप की परिक्रमा की, तो के माँ बाप तो जुदा रे, बोले व्यवहार है ना। गिरनार की परिक्रमा करवा पहुंची जाए छे, माँ बाप साथे बोले व्यवहार नहीं। अरे हूँ पहाड़ की परिक्रमा यार, कई तीर्थ यात्रा आपकी यार। सबसे सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है माता पिता को संतुष्ट रखना, उससे बड़ा कोई पुण्य भी नहीं है। हमारे व्यवहार से, हमारी वाणी से, हमारी वर्ताव से हमारी माता पिता की प्रसन्नता रहनी चाहिए। व्यवहार से, वाणी से, वर्तन से माता पिता प्रसन्न रहे। अब वृद्ध माता पिता को गुलाब जामुन नहीं खाना है ना, अब तो अच्छे बोल चाहिए उसको, दो मीठे बोल चाहिए। माँ तो ठीक है ना, पिता आप बराबर है ना, आपका आरोग्य तो ठीक है ना, दो मिनट तो पिता के पास बैठो, वृद्ध माता के साथ दो घड़ी तो बैठिए यार, कभी चरण दबा लो, कभी तो दो मीठे बोल बोलो माता पिता के साथ। ये सबसे बड़ा हमारा तीर्थ है माता पिता, और सबसे बड़ा हमारा पुण्य अर्जित करने का स्थान उनको कहते हैं माता और पिता, दादा दादी। नारद जी ने कितना सुंदर व्यवहार किया, देखे तो सही, पिताजी को दंडवत किया। पूछो इसमें से कभी माता पिता को दंडवत किया, पूछो किसी को परिक्रमा की, नहीं। अवसर मिले तो माता पिता को परिक्रमा करनी चाहिए और मधुर स्वर से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए।